तो हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक और नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। अगर आप एक फ्रेशर एक्टर हैं, एक्टिंग फील्ड में अभी अभी आए ना, तो आप लोगों को स्टार्टिंग में एक दिक्कत होती होगी, ऑडिशन की दिक्कत। आप लोगों को ऑडिशन मिल ही नहीं पाता होगा कि आखिर ऑडिशन कहाँ कहाँ आप लोगों को देना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं बात करूँगा कि आखिर एक फ्रेशर एक्टर को जो एक्टिंग फील्ड में अभी अभी आए हैं उन्हें बॉम्बे में ऑडिशन कहाँ कहाँ पर देना चाहिए, उन लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि आखिर बॉम्बे में ऑडिशन कहाँ पर होते हैं। दोस्तों एक बात तो पक्का है, जितने भी ऑडिशन हमारे बॉम्बे में होते हैं ना, उतने ऑडिशन पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं होते हैं। ये बात हकीकत है दोस्तों। दोस्तों बॉम्बे में ऑडिशन कहाँ होते हैं इस पर हमने एक पहले भी वीडियो बनाई है, जिसके अंदर हमने बहुत ही जेन्युइन तरीका बताया कि आखिर बॉम्बे में आप लोगों को ऑडिशन कहाँ पर देना चाहिए। तो दोस्तों उस वीडियो की नॉलेज और इस वीडियो की नॉलेज बहुत ही अलग अलग है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को इस वीडियो को जाकर जरूर देखना चाहिए। तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक ना ऐप है, हो सकता है आप लोगों को उस ऐप के बारे में मालूम हो। दोस्तों उस ऐप का नाम है ऑडिशन अपडेट। ये ऐप आपको आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। दोस्तों इस ऐप में ना पूरे इंडिया भर की ऑडिशन की अपडेट वगैरह आती है, लेकिन दोस्तों इसमें जो अधिकतर जो ऑडिशन की जो अपडेट वगैरह आती है ना, वो आती है बॉम्बे की, यानी कि बॉम्बे की रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा होती है। यानी कि 80% से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ 70-80% जो रिक्वायरमेंट वगैरह जो आती है इस ऐप में वो बॉम्बे की आती है। तो अगर आप बॉम्बे में रहते हैं ना, तो आप इस ऐप का फ़ायदा बहुत ही अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एक एक्टर बनना है तो आपके पास ये वाला ऐप जरूर होना चाहिए। दोस्तों इस ऐप के ना, दोस्तों इस ऐप के डिटेल वगैरह आपको अगर जानना पूरा फीचर वगैरह, तो आप YouTube पर सर्च मार सकते हैं ऑडिशन अपडेट ऐप रिव्यू, तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों इसमें ना कुछ फीचर पेड भी हैं, कुछ फीचर फ्री भी हैं, तो फ्री वाले भी काफ़ी अच्छा, उन्हें भी यूज़ करके आप ऑडिशन वगैरह दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ, आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोगों को ऑडिशन कहाँ पर देना चाहिए। दोस्तों इस ऐप से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ऑडिशन देने में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और हाँ अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।